देहरादून पौड़ी व नैनीताल में आज बहुत भारी बारिश के आसार। बद्रीनाथ हाईवे हुआ सुचारू। राज्य में मैदान से लेकर पहाड़ तक अगले 24 घंटे आम जन के लिए भारी पड़ने वाले हैं। कारण कि मौसम वैज्ञानिकों ने जहां अगले 24 घंटे में राजधानी देहरादून के अलावा पौड़ी और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। इस साल नहीं होगी सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा, आदेश जारी। हर साल सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा इस साल नहीं होगी। शहरी विकास विभाग ने यात्रा पर रोक संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के शुरुआती दौर में हरिद्वार कुंभ के बाद से सरकार अतिरिक्त एहतियात बरत रही है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। दिल्ली दरबार में अटके फैसले। शाह नड्डा से मुलाकात के बाद भी नहीं लौटे मुख्यमंत्री रावत। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से जुड़े अहम सियासी फैसले दिल्ली दरबार में अटके हुए हैं। सबकी निगाहें दिल्ली पर लगी है। आधी रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बृहस्पतिवार की शाम देहरादून लौटना था, पर अचानक उनकी वापसी पर कार्यक्रम टल गया। पीएम मोदी ने की देहरादून के टैक्सी चालक से बात। डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अलग अलग लोगों से संवाद किया। उन्होंने देहरादून के टैक्सी ड्राइवर हरी राम से भी बातचीत की। इस दौरान पीएम ने उनसे वन नेशन वन कार्ड डिजिटल भुगतान को लेकर कई सवाल भी पूछे। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नहीं हो पाया फैसला। उत्तराखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता के रिक्त पद और प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव को लेकर पिछले 6 दिन से लगातार चर्चाओं का दौर जारी रहने के बावजूद पार्टी इस मामले में फैसला नहीं कर पाई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर इस मामले में फैसला लेने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया जा चुका है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बोले, राज्य में मतांतरण रोकने को बनेगा कानून। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में भी मतांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। इस कानून की पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि समाज को भी जबरन मतांतरण के खिलाफ आगे आना चाहिए। देश की सियासत में इस वक्त मतांतरण के मुद्दे पर बहस चल रही है। राज्य की सीमाओं पर लगेगा APNR कैमरे। परिवहन विभाग अब अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए प्रदेश की सभी प्रदेश द्वारों पर ऑटोमेटिक कैमरा नंबर प्लेट रिकग्निशनल कैमरा लगाएगा। मकसद यह है कि इससे बिना टैक्स भरे आने वाले वाहनों के बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर इन वाहनों के नंबर से इन्हें पकड़ा जा सके। उत्तराखंड में चंडीगढ़ और धर्मशाला के लिए बस शुरू। हर यात्री की हो रही थर्मल स्कैनिंग। पिछले 2 महीने से बंद अंतर्राज्यीय बस परिवहन शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश से मिली मंजूरी के बाद गुरुवार सुबह से उत्तराखंड की रोडवेज बसें चंडीगढ़, धर्मशाला, शिमला और रोहडू के लिए चलनी शुरू हो गई। इसके साथ ही चंडीगढ़ एवं हिमाचल रोडवेज की बसों का भी देहरादून व हरिद्वार पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा मामले में सरकार से पहले याचिकाकर्ता पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड कैबिनेट के स्तर से 1 जुलाई से तय चारधाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके साथ प्रदेश सरकार को मंदिर में पूजा आरती व लाइव स्ट्रीमिंग के लिए प्रबंधन करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश से सरकार व अफसरशाही में खलबली मची है। सुमो से सब्जी लेकर हल्द्वानी आ रहा था युवक, वाहन पलटने से मौत, बाल बाल बची साथी की जान। नैनीताल से सटे गांव से सब्जी लेकर हल्द्वानी मंडी जा रहे युवक की सुमो वाहन पलटने से मौत हो गई, जबकि उसका साथी बाल बाल बच गया। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव मोर्चरी में रखवा दिया है। तड़के हुई घटना से पूरा गांव गमगीन है। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क।